हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। देखिए, और ये बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है, आपका 3 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है। देखिए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिकायत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। एक बाग था वहाँ जलियांवाला बाग, उस दिन था बैसाखी और वो कहाँ था? अमृतसर में था। तो सब लोग कंप्लेन यानी कि शिकायत करने के लिए वहाँ पे सब इकट्ठा हुए थे। लोग सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून रॉलेट एक्ट का विरोध प्रकट करने के लिए वह एकत्रित हुए थे। कौन सा? रॉलेट एक्ट कानून, उसके विरोध में लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। ठीक है ना, वो मैदान क्या है? चारों तरफ से बंद था। और फिर जनरल डायर हत्यारा बंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा। ठीक है ना, जनरल डायर एक वो है जो अपने सिपाहियों के साथ आया और सैनिकों से क्या कहा उसने? सीधे सब पर गोलियों की बौछार कर दी। उसने क्या करा? अपने सिपाहियों के साथ आया और वहाँ के जितने भी लोग थे उन सब पे गोलियों की बौछार कर दी उसने। उसमें सैकड़ों लोग मारे गए। कुछ तो जान बचाने के लिए वहाँ पे एक कुआँ था, उस कुएं में जाके कूद गए। अब कुएं में जाके कूदने पर भी क्या हुआ, वो बच थोड़ी जाएंगे। पूरा मैदान खून से रंग चुका था और वो जो कुआँ था वो कुआँ भी पूरा भर चुका था लोगों से। जो वहाँ के इंसान थे वो सब उसमें कूद गए थे, मतलब जो लोग थे वहाँ के वो कुएं में कूद गए थे। उसमें से सिर्फ एक इंसान था जो बच के वहाँ से निकल गया, वो भी छोटा सा बच्चा था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार मैं आपको और शॉर्ट में इसको समझाती हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और जो बच्चा मारा गया था ना, उसकी एज थी 15 साल, यानी कि उसकी उम्र थी 15 साल। उसका नाम था ऊधम सिंह। तो जब वो बच्चा वहाँ से बच के निकल गया तो उसने उसी दिन कसम खा ली थी कि मैं जनरल डायर को मार कर ही रहूँगा। और उसने अपना बदला सब लोगों का, मतलब उसने बदला लिया, उनने जनरल डायर को मार दिया। 13 मार्च 1914 को उनने जनरल डायर को मारा था। ठीक है, क्वेश्चन में आपका बन सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन, जनरल डायर को कब मारा गया? 13 मार्च 1914 को मारा गया। अब देखिए, मैं एक बार और आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, ये अमृतसर में था। अमृतसर में एक बहुत बड़ा मैदान था, उसमें बैसाखी का मेला था जिसमें सब लोग अपनी शिकायत लेके आए थे। किसके लिए? रॉलेट एक्ट के लिए लोग अपनी शिकायत लेकर आए थे। ठीक है, उतने में ही जनरल डायर को पता चलता है। जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ आता है और उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर देता है और वो गोलियां 10 मिनट तक कंटिन्यू चली थी। ठीक है, दरवाज़ा बहुत बड़ा था और दरवाज़ा बंद था और वहाँ की दीवार थी 10 फीट की दीवार थी कि कोई भी कूद के बाहर नहीं जा सकते थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए और वो कुआँ पूरा भर चुका था लोगों की लाश से, मतलब जितने भी लोग कूदे कोई भी उनमें से बचा नहीं था। तब जाके उसमें से एक बच्चा बचा था, उस बच्चे का नाम था ऊधम सिंह। उसने वहीं पे कसम खा ली थी कि मैं इसको मार के ही रहूँगा, जनरल डायर को। ठीक है ना, 13 मार्च 1914 को उन्हें मार दिया था। अब देखिए, इसमें 1 नंबर के क्वेश्चन में बनता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है ना, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अपराधी कौन था इसमें? डायर और ब्रिटिश सरकार थी। कितने लोग मारे गए थे? देखा जाए तो इसमें 370 लोगों को बताया, 370 से अधिक लोग मारे गए थे और 1000 लोग घायल हुए थे इसमें। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा तो आप लिख देंगे। और हाँ, मैं जो चीज़ भी पढ़ाती हूँ तो मैं उसको कम्युनिटी टैब में क्वेश्चंस पूछती हूँ। आप चाहे तो मेरे को कमेंट में बता सकते हैं उसका आंसर। तो आप देखना, मैं इस वीडियो के बाद आपको कमेंट में जरूर कम्युनिटी टैब में क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको वहाँ पे आंसर देने होंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।